ये सारी गाड़ियां जो हैं वो ब्रेजा के ग्राउंड क्लीयरेंस के आगे भाई पानी भर दिया, तो ध्यान रखना। रिक्वेस्ट और बोलूंगा यार, सच में वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो एक वीडियो पे लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए। हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो यार आज की जो वीडियो का टॉपिक है ना, एकदम जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए। तो वो है हमारी नई वाली ब्रेजा का ग्राउंड क्लीयरेंस, कंपनी कितना क्लेम करती है और एक्चुअली में उतना होता है नहीं होता, वो आज हम प्रैक्टिकली टेस्ट करेंगे। तो यार आप देखेंगे कि हमारी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो एक्चुअली में है कितना। तो चलो बात करते हैं कि जो मारुति हमें क्लेम करती है कि जो नई वाली ब्रेजा है उसका ग्राउंड क्लीयरेंस कितना है, तो वो है हमारे 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस। बात करी जाए तो इसने अपने ज़्यादातर जो कॉम्पिटिटर है उनको बीट कर रखा है। यानी कि अगर मैं नाम लेता हूँ, जैसे कि वो है क्रेटा, सेल्टॉस, और नाम लूँ बहुत तगड़ा नाम है, स्कॉर्पियो एन, यानी कि बिग डैडी, इस गाड़ी को भी ब्रेजा ने ग्राउंड क्लीयरेंस के मामले में फेल किया है। ये सारी गाड़ियाँ जो हैं वो ब्रेजा के ग्राउंड क्लीयरेंस के आगे भाई पानी भर दिया, तो ध्यान रखना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 का ग्राउंड क्लीयरेंस कितना है, तो वो है 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस, यानी कि 200 mm। एक बार चेक करते हैं कि 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस लगता कैसे है। भाई क्रेटा फेल करिए, सेल्टॉस फेल करिए, बिग डैडी, स्कॉर्पियो एन, एस क्रॉस, पता नहीं कितनी गाड़ी इसने फेल कर दी है। तो ये है हमारे 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस। तो एक प्रैक्टिकल टेस्ट करेंगे इसका, हम इसके नीचे एक हम अपने मतलब ऑब्जेक्ट्स रखेंगे, देखेंगे उनकी हाइट को मेज़र करेंगे पहले कि उनकी हाइट एक्चुअली है कितनी, स्लोप पे गाड़ी को खड़ा करेंगे, और ये सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखेंगे कि एक्चुअली में जो 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है वो मिलता है या नहीं मिलता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली। तो यार ये मेरे हाथ में एक 30 cm का स्केल है। अब बात करी जाए कि हमारा 200 mm कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो वो होता है हमारे 20 cm के बराबर। स्केल में बात करें कि 200 mm कहाँ पे होता है, तो ये यहाँ से 1 cm स्टार्ट होता है, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे 20 का जो निशान दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसे कहते हैं 200 mm, या तो 20 cm बोल लीजिए या इसको 200 mm बोल लीजिए। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक ईंट है, तो ईंट को अगर मैं मेज़र करता हूँ, इस तरह से मेज़र कर रहा हूँ, ध्यान रखना कि ईंट मैंने किस तरह से पकड़ी हुई है, तो ये लगभग मुझे यहाँ पे 100 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस दे रहा है, यानी कि 100 mm की मेरी ये ईंट है। साथ के साथ अगर मैं एक और ईंट इसके साथ लेता हूँ और इसको ऐसे मेज़र करता हूँ, देखो मैंने दोनों ईंट को कैसे रखा है, एक को ऐसे रखा, एक को ऐसे रखा, और अब यहाँ पे मैं इसको फिर से मेज़र करता हूँ, हाँ, तो ये लगभग मेरे पास जो आ रहा है 175 का ग्राउंड क्लीयरेंस आ रहा है। तो 175 ग्राउंड क्लीयरेंस सबसे पहले बोनट के आगे आगे रख के चेक करते हैं कि एक्चुअली में इतना मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैंने अपनी गाड़ी के आगे दो ईंटें रख दी थी, मैंने मेज़र करके दिखाया था वो 175 mm के आसपास था। आते हैं अपने गाड़ी के बोनट की तरफ, और मैंने ये दोनों ईंटों को इस तरह से प्लेस कर दिया है। ये मैं प्लेस करता हूँ, एक मिनट रुको, ये यहाँ पर मैंने इसको ऐसे रखा और इसको मैंने ऐसे रखा, नापते हैं कि ये ग्राउंड क्लीयरेंस कितना देता है हमको। तो मैंने नीचे रखा यहाँ पे, और ये मैं यहाँ पे लाया, ये तो ये एग्जैक्टली 175 और 180 mm के आसपास आ रहा है। अगर आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा स्पेस है अभी भी हमारे बोनट के वहाँ पे, मतलब कि आप देख सकते हैं कि अच्छे से मेरी 4 फिंगर यहाँ पे जा रही है, कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है। सेम टेस्ट हम अपना भी साइड प्रोफाइल में भी करके देखते हैं कि साइड में भी हमें 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस जो बोलती है कंपनी, वो मिलता है नहीं मिलता है। तो चेक करते हैं कि साइड में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है नहीं मिलता है। उसी तरह से मैंने ईंटों को प्लेस कर रखा है जैसे मैंने फ्रंट में किया था। फिर से एक बार आपके सामने मैं इसको मेज़र करके दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में मेरे को मिल कितना रहा है। ये यहाँ पर मैं लिया, वही मेरे को आ रही है 180-175 mm के आसपास। फिर से बात करें कि कितना स्पेस है, देखो फिर से मेरी 4 फिंगर इसमें जा रही हैं, और यहाँ भी बहुत अच्छा स्पेस है। अभी भी मुझे लगता है कि हाँ यार, 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस जो कंपनी बोलती है ना, वो एक्चुअली इसमें है। तो चलते हैं अपने यानी कि बैक साइड पे अपनी ब्रेजा के, और देखते हैं कि इसका जो बैक बम्पर है उसमें 200 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है नहीं मिलता है। सेम तरीके से मैंने अभी भी ईंटों को वैसे ही रख रखा है जैसे मैंने तीनों साइड रखा था, फ्रंट में, साइड में, और अब बैक में। यार यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही गैप लग रहा है मुझे, मतलब कि ये 200 mm नहीं है, ये देखो मेरा 30 cm का स्केल है, और ये भी ईजिली अंदर बाहर इसमें हो रहा है। तो यार बैक साइड से तो मैं बोलूँगा इसका 300 से ऊपर का ग्राउंड क्लीयरेंस है, यानी 300 mm। देखो यार एक बार आप खुद देखो, 30 cm का स्केल है, ये मैं अंदर लेके गया, ईजिली अंदर जा रहा है, कोई भी इशू नहीं हो रही मुझे, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। तो पीछे की तरफ से इसका जो ग्राउंड क्लीयरेंस है वो है हमारे 300 mm का, मोर देन 300 mm। तो अभी तक आपने देखा था कि हमारी गाड़ी का जो ग्राउंड क्लीयरेंस था स्टेशनरी पोजीशन में था सारा। अब मैं गाड़ी को ड्राइव करके दिखाऊंगा, यानी कि फ्रंट से, साइड से और बैक साइड से। तो
तो सबसे पहले मैंने दो ईंटों को इस तरह से प्लेस करा है। mm की बात करी जाए तो कितने mm में आ रहा है ये? तो ये लगभग लगभग मेरा 140 mm से ऊपर है और 145 के आसपास जा रहा है। बात करी जाए मोटा मोटा तो 140 से 150 mm के बीच में इस टाइम मैंने ईंटों को सेट कर रखा है। गाड़ी को बोनट के पास लेके जाते हैं और देखते हैं कि ड्राइव करते वक्त हमें 200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस कंपनी क्लेम करती है मिलता है नहीं मिलता। तो अभी आपने देखा था हमारी गाड़ी ने इजीली 150 mm को क्रॉस कर दिया था। एक बार इतने ही mm पे मैं अपनी गाड़ी का साइड प्रोफाइल चेक करूंगा कि वो क्रॉस करता है नहीं करता। तो अभी आपने देखा कि हमने फ्रंट से और साइड प्रोफाइल से 150 mm को इजीली क्रॉस कर दिया हमारी गाड़ी ने। तो मैं थोड़ा सा mm बढ़ाता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ईंट को इस तरह रख देता हूँ। बात करें कि ये कितने mm में आता है अब हमारा, इसको मैं ग्राउंड पे टच करता हूँ, स्केल से नापते हैं तो ये भाई साहब 185 mm के आसपास आ रहा है। यानी कि इस बार हम ग्राउंड क्लियरेंस लेंगे 180 to 190। तो 180 to 190 क्या हमारी गाड़ी क्रॉस करती है नहीं करती है, क्योंकि ये 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। तो चेक करते हैं। तो बात करें ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस, तो फ्रंट से और बैक से आपने देख ही लिया, इजीली पास हो गई थी गाड़ी हमारी। अब मैंने बैक करके गाड़ी क्यों नहीं दिखाई, क्योंकि वेरी ऑब्वियस है यार, गाड़ी में पीछे से बहुत ज़्यादा आपको स्पेस मिलता है ग्राउंड क्लियरेंस, तो वहाँ मुझे लगा नहीं कि वो भी करके दिखाना चाहिए था। अब बात करी जाए कि इसने किस किस गाड़ी को फेल कर दिया, तो स्कॉर्पियो वैन, क्रेटा, सेल्टॉस, ये सारी गाड़ी को इसने पानी पिला दिया, यानी कि पानी भर दिया इसके आगे। अब चलते हैं अपनी गाड़ी को अपने स्लोप पे लेके और चेक करते हैं कि गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस स्लोप पे कैसा दिखता है। तो चलते हैं अपने स्लोप की तरफ। तो ये अपनी गाड़ी इस टाइम खड़ी है स्लोप के ऊपर, तो एक बार नीचे की तरफ चल के देखते हैं कि कैसा दिख रहा है, नीचे का मामला क्या है, हिसाब किताब। तो ये थी मेरी तरफ से एक डिटेल वीडियो ग्राउंड क्लियरेंस के ऊपर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी हो। यार मैंने अपने एरिया में ना ब्रेकर ढूंढने की बहुत कोशिश करी, बट मेरे को ब्रेकर कहीं भी नहीं मिला। तो उसके लिए यार एडवांस में सॉरी बोल देता हूँ, मेरे को कोई भी ब्रेकर नहीं मिला, क्योंकि मेरे यहाँ पे ना ज़्यादातर क्या है कि लो फ्लोर बसेस चलती हैं, तो उस चक्कर में मेरे यहाँ पे कोई भी ब्रेकर नहीं है। अब गलियों में ब्रेकर है तो मेरी गाड़ी गलियों में तो जा नहीं सकती यार, तो इसलिए ब्रेकर वाले टेस्ट के लिए सॉरी। स्लोप पे भी मैंने गाड़ी चढ़ाई थी, वहाँ भी आपने देखा होगा कि गाड़ी अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन कर रही थी। तो यार जैसा कंपनी बोलती है ना कि 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, तो मुझे तो लगता है कि यार थोड़ा ज़्यादा ही है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, कंपनी थोड़ा कम ही बता रही है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मारुति सुजुकी ब्रेजा 2022 बिल्कुल मेरी तरफ से करेक्ट इन्फॉर्मेशन है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। और यार मैं हर कमेंट में सच में रिप्लाई करता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है कि डिले हो सकता है, बट रिप्लाई ज़रूर मिलता है आपको। एक रिक्वेस्ट और बोलूँगा यार, सच में वीडियो बनाने में मेहनत बहुत लगती है, तो एक वीडियो पे लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाइए।